हाय दोस्तों, स्वागत है मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक ओप्पो का F1S आया हुआ है जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, टेम्परेचर एरर आ रही है। वो तो टेम्परेचर एरर जो आती है वो कैसे उसको ट्रेस किया जाता है, चेक किया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और एरर कैसे आती है। जैसे हम चार्जर लगाते हैं, चार्जिंग का इंडिकेटर तो शो होता है लेकिन एरर आती है, अब नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर टू हाई, द फोन कैन नॉट बी चार्ज। टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम मदरबोर्ड में कहाँ से आता है वो हम ये पूरा एक डायग्राम मैंने उसका ड्रॉ किया हुआ है, वो इस हिसाब से मैं आपको समझाता जाता हूँ और उसको हम ट्रेस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मदरबोर्ड को एक बार पहले निकाल लेता हूँ बाहर। ये जो है हमारा जो चार्जिंग फ्लेक्स है उसका जो कनेक्टर है वो ये है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको ये एक बार ये बता देता हूँ कि चार्जिंग का जो वोल्टेज होता है वो कहाँ से कहाँ होके हमारे बैटरी कनेक्टर तक पहुँचता है। ये जो है ड्रॉ किया हुआ है वो हमारा बैटरी कनेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, तो कैसे कैसे पहुँचता है, कहाँ कहाँ जाता है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम है वो समझने में आसानी रहे। तो ये जो है अपना B2B कनेक्टर है, यहाँ पे हमारा ये चार्जिंग का जो कनेक्टर है वहाँ पे यहाँ पे लगता है। हम जब चार्ज यहाँ पे इनपुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो 1 से लेके 6 और 7 से लेके 15 नंबर की पिन पे USB के 5 वोल्ट इनपुट होंगे जो आगे जाके यहाँ से एक MOSFET के जरिए OVP सेक्शन में जाते हैं। ये जो MOSFET है वो मदरबोर्ड में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे, ये जो है आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये अपना वो MOSFET है, उसके आगे एक OVP IC लगी हुई है जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो IC यहाँ पे है। और ये जो चार्जिंग IC है BQ24196 की कंपनी ने यूज़ की हुई है, वो चार्जिंग IC यहाँ पे ये वाले है, ये अपनी चार्जिंग IC है। ये वाली अपनी चार्जिंग IC है और उसके अंदर जो पावर IC लगी है, इसमें मैंने पावर IC भी ड्रॉ की है, वो है MT6353 है जो यहाँ पे ओके कनेक्टर से B2B कनेक्टर से 5 वोल्ट डायरेक्ट एक MOSFET के अंदर जा रहा है और MOSFET से OVP सेक्शन के अंदर जा रहा है। और MOSFET है जो अपना वो P चैनल है और इसके अंदर डायोड है जो वो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, तो इसके अंदर गेट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर को ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पे जब हम चार्ज लगाते हैं तो 5 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है, उसके लिए गेट की ज़रूरत इसमें रहती नहीं है। उसके बाद आता है हमारा 5 वोल्ट जो होता है वो जाता है OVP सेक्शन में जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि करंट में कभी ज़्यादा कम हुआ तो उसको वो मैनेज करेगी। सेक्शन के बाद VBUS की लाइन अपनी पावर IC के अंदर 2 लाइनें जा रही है, उसमें से एक लाइन है VCDT की जो कि वोल्टेज डिटेक्टर पिन है और दूसरी लाइन है वो चार्ज LDO की। तो ये जो 2 लाइनें हैं वो डिटेक्शन के लिए है और उसके बाद पावर जाता है हमारी मेन जो चार्जिंग IC होती है BQ24196 के अंदर, वहाँ 1 और 24 नंबर की पिन पे वो इनपुट होता है और 19 और 20 नंबर की पिन पे स्विचिंग होके बाहर आके वापिस वो
15 और 16 नंबर की पिन से वापस इनपुट होता है, और 14 और 15 नंबर की पिन से वीबेट की जो लाइन है, बेट की लाइन, वो आउटपुट होके एक मॉसफेट के जरिए डायरेक्ट हमारा बैटरी कनेक्टर तक पहुंचता है। तो अपना करंट कहाँ से कहाँ होके बैटरी कनेक्टर तक जा रहा है वो आपको मैंने अभी बताया है। दूसरी बात एक ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक मॉसफेट लगा हुआ है वो भी पी चैनल है, पी चैनल मॉसफेट है। उसके अंदर ये मॉसफेट का काम ये है कि मोबाइल को कब चार्ज मोड में रखना है या बैटरी मोड में रखना है, वो यहाँ पे गेट पे ट्रिगर दिया जाता है, उस हिसाब से मॉसफेट काम करता है। जब चार्ज लगाते हैं तभी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो मॉसफेट है वो फॉरवर्ड बायस में उसका डायोड की कंडीशन है, तो तभी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होगी। जब चार्ज निकालेंगे तो वहाँ पे ट्रिगर चाहिए जो आगे से आ रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते, क्योंकि हम जो अभी जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग का प्रॉब्लम है, वो हम पहले उसको ही हम ट्रेस करेंगे। अभी आपको एक बात तो क्लियर हो गई, पावर कहाँ से कहाँ तक आता है और कैसे कैसे आता है। दूसरी बात, इसके अंदर करंट सेंस का जो काम है वो बैटरी के माइनस ट्रैक पे लगाया हुआ है, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसको ड्रॉ किया नहीं है। वो करंट सेंस का जो रजिस्टर होता है वो बैटरी के माइनस ट्रैक ग्राउंड में ग्राउंड के साथ लगाया हुआ है, वो करंट सेंस के जरिए पावर आईसी बैटरी को नाप लेती है। ये मोबाइल के अंदर हम जब चार्जर लगाते हैं तो इंडिकेटर शो होता है, और उसके बाद टेम्परेचर की एरर आ रही है, मतलब हाई टेम्परेचर की एरर आ रही है। तो उसके लिए हम एक कोई लाइन को हम जवाबदार नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर शो कर रहा है, इंडिकेटर शो ही नहीं करता तो हम यहाँ पे डाउट कर सकते थे। कोई भी लाइन मिस हो सकती है, सर्किट मिस हो सकती है, आईसी ख़राब हो सकती है, ओईपी सेक्शन ख़राब हो सकता है, चार्जिंग सेक्शन भी ख़राब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट शो हो रहा है और उसके बाद एरर दिखा रहा है। तो उसके लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम में रहता है उसका थर्मल लाइन, तो हम बैटरी कनेक्टर पे उसका आईडी लाइन और थर्मल लाइन का पहले कुल टेस्टिंग करेंगे। तो एक बार मैं मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में ले लेता हूँ। ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे प्लस वोल्टेज की लाइन है और ये माइनस वोल्टेज की लाइन है। ये वाला ऊपर का पॉइंट, बीच वाला है वो आईडी लाइन है, और नीचे वाला थर्मल लाइन है। आईडी लाइन के 790 के आसपास रीडिंग शो हो रहा है, थर्मल सॉरी, ऊपर की जो आईडी लाइन है वहाँ पे भी 700 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, शो हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि कुल टेस्टिंग हमने किया है तो ये जो लाइन है वो ओपन नहीं है, कंप्लीट है। अभी मैं आपको वो दोनों लाइन को हम सर्किट डायग्राम में समझेंगे। थर्मल की जो लाइन है हमारी वो पावर आईसी की N7 नंबर की पिन से आउटपुट होती है, और बीच में एक 16 किलो ओम्स का रजिस्टर है R2822, और एक रजिस्टर है 24 किलो ओम्स का जिसको ग्राउंड किया गया है R202803 को, और वही लाइन वापस पावर आईसी में बैट ऑन करके वापस इनपुट हो रही है। तो ए लाइन के अंदर हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग के दौरान हमें यहाँ पे इसकी इनपुट सप्लाई है 1.8 और डिवाइडर सर्किट बनी हुई है, क्योंकि एक रजिस्टर ग्राउंड है और एक रजिस्टर के ऊपर से पावर इनपुट हो रहा है। तो ये दो रजिस्टर सबसे पहले मैं आपको एक बार मदरबोर्ड में दिखा देता हूँ। तो अपना जो ये दो रजिस्टर है, इसमें से ए वाला जो रजिस्टर है 16 के वाला, 16 के
वो ये है ब्लैक वाला बड़ा वाला, एक बार मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये वाला बिग, और नीचे का जो ग्राउंड है रजिस्टर 24 किलो ओम्स का, वो यहाँ पे है दूसरा, नीचे से दूसरा है ब्लैक वाला। तो यहाँ पे डिवाइडर सर्किट का रूल्स फॉलो होगा। डिवाइडर सर्किट के अंदर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 1.8 है और ग्राउंड किया हुआ रजिस्टर 24 किलो ओम्स का है। डिवाइडर सर्किट का प्रिंसिपल मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इनपुट वोल्टेज गुणिया R2 नीचे R1 प्लस R2, इनपुट वोल्टेज 1.8 गुणिया R2, इनपुट वोल्टेज अपना है 1.8, R2 है अपना 24, नीचे R1 है 16 प्लस 24, तो यहाँ पे आएगा 43.2, नीचे आएगा 40, उसका आंसर आएगा 1.08। मतलब कि यहाँ पे हमें 1 वोल्ट के तकरीबन आसपास हमें और टेस्टिंग में वोल्टेज मिलना चाहिए। और जो आईडी की लाइन है वहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R2821, वहाँ पे डायरेक्ट 1.8 की आईओ सप्लाई दी गई हुई, तो वहाँ पे वोल्टेज आएगा 1.5 के आसपास तकरीबन। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं तो और टेस्ट करके। मैं बैटरी निकाल लेता हूँ ताकि हम चेक कर पाए। इसमें जो लगा है सीपीयू वो मीडियाटेक सीपीयू है। यदि क्विलकॉम सीपीयू होता तो ये जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता, यहाँ पे वो आके एक बार जाएगा। जब हम चार्ज लगाएंगे तो तुरंत आएगा, एक बार तो जाएगा। मैं पहले मल्टीमीटर खोल ले लेता हूँ साथ में, फिर चार्ज लगाता हूँ। मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में सेट कर देना। ये अपना आईडी लाइन है, वहाँ पे 1.6 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। अभी हम थर्मल लाइन को एक बार चेक कर लेते हैं। जब चार्जर निकाल के डालेंगे तुरंत आएगा, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, 0 वोल्टेज है। और एक बार चेक कर लेता हूँ, अब देख सकते हो यहाँ पर वोल्ट बन ही नहीं रहा है। ये जो यहाँ पे थर्मल लाइन पे जो वोल्ट बन नहीं रहे है, उसका रीजन ये हो सकता है कि अपना ये 2 रजिस्टर है उनमें से कोई एक खराब हो या फिर ओपन हो, या फिर हमारी पावर आईसी में से कोई प्रॉब्लम हो। मतलब ये जो 1.8 वाली सप्लाई है वो वहाँ से बनती ही ना हो, और जो पावर आईसी के नीचे जो बोल है वो शायद ड्राई हो गया हो, तो भी ऐसा हो सकता है। तो हम ये जो 1.8 की जो सप्लाई है
वो जिस रजिस्टर पे जा रही है वो है R2822, 16 किलो ओम्स का वो रजिस्टर है। तो हम यहाँ पे पहले एक बार चेक करते हैं, हमने ये लाइन तो चेक कर ली यहाँ पे, अभी बैटरी कनेक्टर पे हमने चेक किया ना, यहाँ पे कोई वोल्टेज तो नहीं बन रहा है। अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे इनपुट सप्लाई उसकी आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये लाइन है, उसके अंदर एक कैप भी लगा हुआ है OC2022। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो रजिस्टर है ये ब्लैक वाला, उसका दो कोना है, ठीक है। इसमें से ये वाला जो कोना है वो हमने चेक कर लिया है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हमने चेक कर लिया है, पावर नहीं बन रहा है। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ मल्टीमीटर से कि यहाँ से यहाँ कौन सा मैच हो रहा है, तो उसकी दूसरी तरफ हमें वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर को बीप मोड में ले लेता हूँ, बजर मोड में। अभी मल्टीमीटर का एक प्रोड मैंने रखना है थर्मल लाइन पे, ये जो ऊपर की तरफ है रजिस्टर का जो ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग है ये वहाँ पे बीप बज रहा है। ओके, तो जो ऊपर का भाग है ये वाला भाग है, यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हो ये वाला भाग ऊपर वाला। तो इस साइड पे हमें 1.8 की सप्लाई मिलनी चाहिए जो पावर आईसी से बन के आ रही है। तो हम यहाँ पे एक बार वापस चार्जिंग बेल्ट लगा के, चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं। मैं उसको थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, वापस में एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। अभी हमने ये जो रजिस्टर है यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किया है, लेकिन यहाँ पे हमें 1.8 की सप्लाई नहीं मिल रही है, जो PMIC MT6353 से होके MT6353 में से आता है, वो 1.8 की सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक में कहीं बीच में से सर्किट ओपन हो, या फिर पावर आईसी फॉल्टी हो। तो एक बार हम टेस्टिंग करने के लिए ये जो C2022 कैप है वहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं, वो कैप कहाँ है वो आपको पता है कैसे मिलता है। अभी तो ब्रोनियो स्कैन मेटिंग है, उसके अंदर BTM जो है उसके अंदर आप एक क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो लाइन कहाँ पे आती है।
तो एक बार मैं आपको उसमें भी बता देता हूँ। टूल ओपन हो रहा है। ये जो है वो वाला रजिस्टर है, R2822। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, एक बार देख लेते हैं। ओके, ये जो लाइन है वो हमारी थर्मल की लाइन जो बैटरी कनेक्टर तक जा रही है वही वाली है जो बीच में मैंने यहाँ पे बताई थी, ये वाली लाइन है। इसका जो ऊपर का जीना है, दूसरा पॉइंट है, वो एक कैप में जाता है। एक कैप के होते हुए वो पीएम में से आता है यहाँ पे 1 2 3, ये तीसरा वाला। तो यहाँ पे हम एक बार और टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल गया 1.8, तो हम यहाँ से जम्पर लेके यहाँ तक जम्पर लगा सकते हैं। बीच में से उसकी जो लाइन है वो ओपन हो सकती है। यदि यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिला वन पॉइंट एट यहाँ पे, तो फिर हमारी पीएम ख़राब हो सकती है या डिसमेंटल हो सकती है। तो एक बार वो जगह पे हम चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे सील है, वो थोड़ी काटनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा काट लेता हूँ। ये वाला जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कैप पे नीचे की तरह हमें 1.8 की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। वहाँ पे 1.8 आ रहा है कि वन पॉइंट सेवन नाइन, मतलब वो वहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। वन पॉइंट एट, मतलब एक बात क्लियर हो गई है इसमें कि यहाँ से यहाँ तक
बीच में से कहीं वो लाइन ब्रेक हुई है या फिर वो ओपन हुआ है, मतलब यहीं से यहीं तक की सर्किट टूटी हुई है, उसकी वजह से टेम्परेचर की एरर आ रही है। तो हम उसको एक बार जम्पर करके देख लेते हैं अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। एक बार हॉट टेस्टिंग भी करेंगे जम्पर के बाद, फिर पेक कर। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले वोल्टेज नहीं बन रहा था, अभी तकरीबन एक 1.04 वोल्ट यहाँ पे कंप्लीट बन रहा है। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। बैटरी लगा के चार्जिंग एरर का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे डिवाइडर सर्किट के हिसाब से यहाँ पे 1.08 वोल्ट आने चाहिए थे, लेकिन अभी आ रहे हैं 1.04, तकरीबन करीब है, मतलब सही है, प्रॉब्लम नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम अपना सॉल्व हुआ है कि नहीं। पहले यहाँ पे चार्जिंग की एरर शो हो रही थी, अभी यहाँ पे कंप्लीट चार्जिंग हो रहा है। अभी आप इसमें भी चेक कर सकते हो, इसके एम्पियर भी 1.1 कंप्लीट ले रहा है। जब वो एरर आता है तभी यहाँ पे 0.67 0.67 होके वापस 0.0 हो जाता है। हमारा जो प्रॉब्लम था वो PMIC में से जो थर्मल की लाइन आती है 1.8 की सप्लाई, वो बीच में से ब्रेक थी, मतलब वो सर्किट ओपन थी, उसकी वजह से यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई आ नहीं रही थी। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का जम्पर किया है अभी, और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मान लो यहाँ पे हमें 1.8 की सप्लाई नहीं मिलती, शायद ऐसा हो भी सकता है कोई बोर्ड में यहाँ पे 1.8 की ना मिले, तो फिर वो प्रॉब्लम है अपनी PMIC में से, या फिर PM चेंज करना पड़ेगा या उसको रिडेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम था वो एक छोटी सी एक लाइन सर्किट ओपन होने के वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था फोन के अंदर, वो एक छोटी सी लाइन सर्किट ओपन होने से हुआ था। अभी इसके लिए जब हम समझ के काम करते हैं, पूरी सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझने के बाद काम करते हैं, तो ये चीज़ बड़ी आसानी से सोल्व होती है और बहुत ही जल्द आप रिपेयर कर पाओगे। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्ट चार्जिंग IC को बदलोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है,
ओवीपी एसी को बाईपास करोगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप पावर एसी को चेंज कर दोगे तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सीपीयू रिवॉल्व कर दोगे तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको थर्मल और आईडी लाइन का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप उसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हो और समझ के। थैंक यू दोस्तों।